तो आज मैं ट्यूटोरियल में देने वाला हूं कुछ टिप्स। जब आप वीडियो शूट करेंगे और उस समय मेरे दिए गए टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका वीडियो इतना कमाल का, इतना बेहतरीन बनेगा। और जब आप उस वीडियो को YouTube पे अपलोड करेंगे तो डेफिनेटली व्यूअर्स आपके वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। आपको पता है 90% यूट्यूबर वीडियो शूटिंग के टाइम कुछ मिस्टेक करते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि उनके वीडियो में वो क्वालिटी नहीं आ पाता। फिर होता क्या है कि जब व्यूअर्स उनके वीडियो को वॉच करते हैं तो कहता है, अरे यार इसको इतना बोलने का ढंग है, ना खड़े होने का ढंग है, और ना ही कैमरे पे सही से देखने का ढंग है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका वीडियो कोई देखे और इस तरह का कोई रिएक्शन दे। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका बेस्ट फ्रेंड सुजीत और आप देख रहे हैं शर्मा जी ट्यूटोरियल। तो चलिए सीख लेते हैं आज कुछ खास बातें। टिप्स नंबर 1, जब भी आप वीडियो शूट करते हैं तो आपका मोबाइल वर्टिकल नहीं होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, यानी ऐसे होनी चाहिए। और मैं कहूंगा कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप फ्रंट कैमरा से ही शूट कीजिए। टिप्स नंबर 2, जब भी आप अपने स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट करते हैं तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है, आपको अपने कैमरे के सेटिंग में जाना है और आपको वहां पर मिलेगा मिरर फ्रंट कैमरा, उसे क्या करना है, ऑन करके रखना है। लेकिन आपके बैकग्राउंड में कोई पोस्टर है जो आप अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं, कोई स्टेटमेंट है जो आप अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं, तो फिर मैं कहूंगा कि आपका जो मिरर फ्रंट कैमरा है उसे ऑफ कर देना चाहिए। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आपका जो फ्रंट मिरर कैमरा है वह ऑन ही होना चाहिए। टिप्स नंबर 3, आपने काफी सारे क्रिएटर्स का वीडियो देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप उसका वीडियो देखते हैं तो आपको लगता होगा कि वो मुझे ना देखकर वो किसी और डायरेक्शन में देख रहे हैं या किसी दूसरे डायरेक्शन में देख रहे हैं। कहने का मतलब है कि वो तिरछी डायरेक्शन में देख रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कई क्रिएटर्स गलती करते हैं कि जब भी वो वीडियो शूट करते हैं फ्रंट कैमरा से तो वो अपने आप को देखते हैं, मतलब वो उसका जो आई कांटेक्ट जो होता है वो खुद के इमेज के साथ होता है। तो होता क्या है कि जब आप अपने आप को देखकर या अपने आंखों में झांक कर आप बोलते हैं, फिर सामने वाले को लगता है कि आप किसी और डायरेक्शन में देख रहे हैं। इससे क्या होता है, गलत इंपैक्ट पड़ता है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि जब भी आप वीडियो शूट करते हैं तो आपको मोबाइल के कैमरे का जो लेंस है उसमें देख कर बात करना है। जैसे कि मैं अभी अपने मोबाइल के कैमरे का जो लेंस है उसको देख रहा हूं और बोल रहा हूं, तो इससे क्या हो रहा है, जो व्यूअर्स मुझे देखेगा तो उसे लगेगा कि वो मुझे देखकर बात कर रहा है, ना कि ऐसे बात कर रहा हूं मैं और वैसे बात कर रहा हूं। टिप्स नंबर 4, आपको हेजिटेशन होती है कैमरे के सामने, आपको शर्म आती है कि मैं कैसे कैमरे के सामने बोलूंगा, लोग मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे। इस तरह अगर आपके मन में नेगेटिव ख्याल चल रहे हैं तो प्लीज इस नेगेटिव ख्याल को बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर आप अटक टक के बोलते हैं, आपको बोलने में नहीं होता है, तो उसका एक ही तरीका है, मतलब इसको सुधारने का एक ही तरीका है कि आपको कोई स्टोरी बुक या हिंदी बुक जो आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो बुक लीजिए और उसे जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और या कोई स्टोरी, कुछ ऐसा स्टोरी जो आप इजीली बोल सकते हैं, आप मिरर के सामने जाइए या अपने कैमरे के सामने आपको प्रैक्टिस करना हो। तो मैं आपको कहूंगा कि जब भी आप वीडियो शूटिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको उससे पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। टिप्स नंबर 5, यदि शूटिंग के दौरान बोलते बोलते यदि आप खांस देते हैं, छींक देते हैं या उबासी ले लेते हैं तो आपको इस तरह का जो फुटेज है उसको, इस क्लिप को काट के हटा देना चाहिए जब आप एडिटिंग करते हैं। कहने का मतलब है कि आपको इस तरह का एक्सप्रेशन वीडियो में नहीं छोड़ना चाहिए, इससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। टिप्स नंबर 6, वीडियो के स्टार्टिंग टाइम में आपको अपने व्यूअर्स को ग्रीटिंग्स देना चाहिए और वीडियो के लास्ट में भी थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस तरह का आपको ग्रीटिंग्स देना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस ट्यूटोरियल में मैंने जो भी छोटे छोटे टिप्स मैंने आपको बताया है या आपको काफी हेल्प करेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा, यदि अभी तक आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे शर्मा जी ट्यूटोरियल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक मिल जाएगा। मैं आपको एक और न्यूज दे देना चाहता हूं कि टिकटॉक पे शर्मा जी ट्यूटोरियल फैक्ट्स के नाम से मैंने प्रोफाइल बनाया है, अगर फॉलो करते हो वहां पे तो आपको काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, तो वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपना चैनल शर्मा जी ट्यूटोरियल।